फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे इको प्रोडक्ट की, जिसको आपको बस अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है एंड यू कुड सी द रिजल्ट योरसेल्फ। मतलब कि आपको इसको नॉर्मली यूज करना है, यू डोंट नीड टू गेट गिव इट सेपरेट टाइम अपने स्किन के साथ। इस प्रोडक्ट के साथ आपको अलग से 15-20 मिनट नहीं देने हैं, रेगुलर अपनी रूटीन में इसको यूज करना है एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन योर स्किन। आपकी स्किन जो है बेटर बनेगी। अगर आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट भी आपको लगती है, तो उस परफेक्ट को मेंटेन करने के लिए यू नीड टू गो फॉर हर्बल थिंग्स और ग्रेट थिंग्स, जो कि आपकी उस परफेक्टनेस को मेंटेन करके रखे। तो आज मैं एक ऐसा सोप आपके साथ शेयर करी जो कि नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, हैंडमेड है सबसे बड़ी बात, और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपकी अगर परफेक्ट स्किन है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और अगर आपकी कुछ फ्लॉज है आपकी स्किन में तो उसको तो ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा ही, ठीक करेगा एंड विल गिव यू अ नेचुरल ग्लो। तो आज मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट लिविंग की ऑर्गेनिक सोप की। दिस इज द सोप बार जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। दिस इज वन ऑफ द यू कैन से माई फेवरेट ब्रांड्स, क्योंकि इसका ये जो सोप है इट इज़ हैंडमेड, ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड है, मतलब ऑल द गुड थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सोप। तो पहले मैं आपको इसका नाम शेयर कर देती हूँ प्रॉपरली। दिस इज एंशिएंट लिविंग लग्जरी हैंडमेड सोप एंड द वेरिएंट जो मैंने पिक किया है, जो मैं हर बार पिक करती हूँ जनरली, और जो मुझे बेस्ट लगता है इसमें से, इनके सभी वेरियंट्स में से, वो है कस्तूरी टर्मरिक। तो दिस इज एनरिच्ड विद यिलांग यिलांग ऑयल, फ्री फ्रॉम सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एंड कलर, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, प्राउडली मेड इन इंडिया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और कस्तूरी इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट वाला, मेन इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट आपको इंडिया में ही मिल सकता है। तो दिस पर्टिकुलर सोप इज फ्रॉम एंशिएंट लिविंग। तो ये जो है, दिस इज वाइल्ड हार्वेस्टेड कस्तूरी टर्मरिक, जो वाइल्ड टर्मरिक है, यू कैन से कि जिसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, वो वाली जो हल्दी रहती है उसमें बहुत ही अच्छे गुण पाए जाते हैं आपकी स्किन की ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, आपके अगर फेस पे स्पॉट्स हैं उनको दूर करने में, पिगमेंटेशन को दूर करने में, आपका अगर अनइवन स्किन टोन है उसको एवन आउट करने में, आपके रिंकल्स को रिड्यूस करने में। मतलब आपको पता ही होगा कि जो वाइल्ड टर्मरिक है वो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर योर स्किन। तो इसमें दिस इज द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव करे, और साथ ही जो फ्रेग्रेंस है, एग्जॉटिक फ्रेग्रेंस आपको मिलती है इसमें यिलांग यिलांग ऑयल की, उसका मेन काम होता है आपका ओवरऑल जो टेक्सचर है स्किन का उसको इम्प्रूव करना। तो आपको वो भी मिल जाता है। इसमें सिर्फ यही दो प्रोडक्ट्स नहीं है, यू गेट मोर ऑयल्स इन दिस पर्टिकुलर सोप, जो कि है, पहला तो इसमें आपको कस्तूरी मिल जाता है, टर्मरिक, दूसरा है आलमंड ऑयल, थर्ड है यिलांग यिलांग ऑयल, देन कोकोनट ऑयल। तो इसमें जो भी ऑयल्स हैं वो आपकी ब्राइटनिंग पे काम करते हैं, वाइटनिंग पे काम करते हैं, मॉइस्चराइजेशन पे काम करते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स को दूर भगाने में काम करते हैं, पिगमेंटेशन पे काम करते हैं, अनइवन स्किन टोन पे काम करते हैं, रिंकल्स को रिड्यूस करने पे काम करते हैं, ओवरऑल की मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी फुल स्किन केयर पे काम करते हैं। तो आपको एक ही प्रोडक्ट में काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो कि आपके स्किन की देखभाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी है, यिलांग यिलांग ऑयल भी है, और कस्तूरी भी आपको मिलता है, हल्दी मिलती है, वाइल्ड टर्मरिक जो है वो भी आपको इसमें मिल जाती है, आलमंड ऑयल भी मिल रहा है। तो ये सारे ऑयल्स मिलजुल कर आपकी स्किन को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो दिखाते ही दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसकी आउटर पैकेजिंग, जो कि इस तरह की है, यहाँ पे इसके ऊपर वो क्लिंग रैप्ड टाइप ऊपर ये अभी पैक्ड है, दिस पर्टिकुलर पीस इज पैक। तो इसके अगर प्राइस की बात करनी है तो इसका प्राइस है ₹170। तो आपको भी पता है जो हैंडमेड थिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा ऑन द कॉस्टलियर साइड रहता है, बट जब इनकी इफेक्ट्स की, इनकी मेकिंग की, इनकी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स की बात आती है तो वो जो प्राइस वाला साइड है वो ज़रा दिमाग में इतना नहीं आता। तो ये जो आपको सोप बार है ये मिलता है आपको इन ₹170, और जो इसका वेट है वो है 100 ग्राम। तो हम फटाफट से इसको अनरैप करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट किस तरह से दिखता है। तो वाइल अनरैपिंग दिस क्लिंग रैप, उसके बाद मैं आपके साथ शो करती हूँ, ये है इसकी कार्डबोर्ड से पैकेजिंग, जिसके ऊपर सब कुछ मेंशन किया गया है, इट्स इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनकी क्वालिटीज वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका प्राइस एंड इट्स वेट। तो जब आप इस कार्डबोर्ड पैकेजिंग को खोलते हैं तो इनसाइड इट यू गेट दिस पेपर रैप्ड प्रोडक्ट,
यानी कि इस तरह से पेपर रैप्ड होता है। जनरली हैंडमेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो या तो पेपर रैप्ड रहते हैं या फिर क्लिंग रैप रहते हैं। एंड आफ्टर दिस रैप दिस पर्टिकुलर सोप इज अगेन इन अ क्लिंग रैप, आप देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द इफेक्टिवनेस, टू प्रोटेक्ट द फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द ऑरिजिनैलिटी ऑफ सच प्रोडक्ट्स। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू पैक दम प्रॉपरली, और इनकी पैकेजिंग मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद आती है कि बाहर क्लिंग रैप है, देन यू गेट अ दिस कार्डबोर्ड पैक एंड इनसाइड इट अगेन यू गेट अ पेपर रैप एंड देन दिस क्लिंग रैप वंस अगेन। फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, इसमें बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है, टोटली हर्बल सोप यू कैन से, जैसे हर्बल सोप्स में से आती है, बट बिलीव मी दिस इज डिफरेंट लेवल ऑफ हर्बल सोप। ये सोप का लेवल जो है ना वो कुछ अलग है। जी हाँ, कुछ मैंने, आप मेरे अगर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे हर्बल सोप्स मिलेंगे जो कि हम पर्सनली यूज़ करते हैं या फिर नए नए मैं परचेज करती रहती हूँ जस्ट टू ट्राई एंड टेस्ट। ऑब्वियसली क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको अगर लगता है कि अभी ये प्रोडक्ट बेस्ट है, हो सकता है उससे कई बेस्ट अभी मार्केट्स में अवेलेबल हो और हमने वो ट्राई नहीं की हो, तो दिस इज़ द चैनल जहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करती रहूँगी, हर्बल प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ जिनको आपको जस्ट परचेज करना है और अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल करना है, आपको स्पेशल से अलग से टाइम नहीं देना है। तो ये भी एक ऐसा ही सोप है जिसको आपको नॉर्मल रूटीन में यूज़ करना है। जितने भी हर्बल सोप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप डेफिनेटली किसी भी हर्बल सोप को चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप यू कैन से हर्बल सोप्स, इसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। और कई बार मेरे कई वीडियोस पे ऐसा कमेंट आता है कि क्या हम इसको बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स डियर टोटली अप टू यू। जैसे कोई भी ऐसा हर्बल सोप है मैं फेस के साथ साथ बॉडी पर भी यूज़ करती हूँ, आई लव टू यूज़ देम। अरे भाई ऐसा क्यों है, मतलब फेस के साथ इतना स्पेशल केयर और बाकी बॉडी की स्किन के साथ इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। इफ़ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, आप डेफिनेटली इस सोप को अपनी बॉडी स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, चेहरे के साथ साथ हमारी बॉडी की स्किन को भी हक बनता है पूरा केयर मिलने का। तो अगर ये टोटली आपका डिसीजन है, आप खाली फेस के लिए इसको परचेज करते हैं क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली है, तो पहले आप ये हो सकता है कि फेस पर ट्राई कर लीजिए। If you are able to get the second pack, तो उसको फिर body के लिए रख लीजिए या फिर जैसे भी आपको easy and convenient लगता है, but face के लिए तो definitely इसको try करिएगा ही करिएगा। This is one of the greatest herbal soaps and greatest brands जो कि आपको बहुत ही अच्छे results देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया एक और product जिसको आपको सिर्फ अपनी daily routine में शामिल करना है to get a flawless and beautiful skin। तो This was all for this video. Till next video, take care, stay blessed. Bye bye.